शहर के समाज सेवी ने महामारी के दौरान 51,000 मास्क और 5,000 भाप की मशीनें दुकानदारों को वितरण की। सिंधी समाज के समाज सेवी महेश सितलानी द्वारा इस महामारी से बचाव को लेकर आज शहर के 20 समस्त समाज के समाज सेवियों के साथ 5,000 दुकानदारों को 5,000 भाप की मशीन व 51,000 मास्क का वितरण किया। खड़े मत रहो, निकल। मास्क वितरण के दौरान महेश सितलानी ने सभी समाज के लोगों के साथ दुकानदारों से आग्रह किया कि जो भी आपके दुकान पर सामान खरीदने के लिए आए और जिसने मास्क नहीं पहना हो उन्हें आप मास्क देवे और उनसे विनती करें कि महामारी के दौरान जितना हो सके सावधानी रखें, मास्क लगाएं व सामाजिक दूरी बनाए रखें। आपको लगता है कि समाज में जो लोग भाप की मशीन खुद नहीं खरीद सकते उन्हें आप भाप की मशीन उपलब्ध करवाएं और अधिक जरूरत पड़ने पर मुझसे संपर्क करें, मैं उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन सभी लोग भाप लेकर व मास्क लगाकर ही घर से निकले। मीडिया से चर्चा के दौरान महेश सितलानी ने आम लोगों से मास्क लगाने व सामाजिक दूरी बनाकर रखने की अपील की। उन्होंने सामाजिक दूरी व मास्क के प्रयोग को ही कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग लड़ने का सबसे बड़ा हथियार बताते हुए सभी को इसका पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी बनाकर रखने से ही कोरोना से जंग जीत सकते हैं। मौके पर महेश सितलानी के साथ सभी समाज के लोग मौजूद थे। ये जो महात्राजदी दुनिया में चल रही है इसमें हम मार्च से लगातार सिंधी समाज और सब समाज, यादव समाज, जितने भी हमारे भाई हैं सब निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इससे निपटारा हुआ जाए। इस दिशा में आज हम जो है 51,000 मार्क्स जो बांट रहे थे उसमें 5,000 मार्क्स वार्ड 46 में देने आए हैं। साथ ही हमारे सारे समाज के प्रमुख, यादव समाज, बेरवा समाज, प्रजापत समाज, सिंधी समाज, अन्य समाज के लोगों को भी हमने ये 5-5 डब्बे दिए ताकि अपनी अपनी धर्मशाला में ये वेपोराइजर रखें और इससे भाप लें और लोगों को ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि सुरक्षा ही एकमात्र उपाय है कि आप रोज मास्क पहने और भाप लें और बिना वजह घर से ना निकलें।